बेसिकली तो मतलब हम लोग इसको आलू के साथ बना रहे हैं, लेकिन आप लोग चाहे तो चिकन के साथ भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि कई लोग बहुत ज्यादा चिकन पसंद करते हैं ना, तो फिर वो चिकन भी डाल सकते हैं, आलू के भी डाल सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ये देखिए किस तरह वन बाय वन इजीली और कितनी प्यारी ये टॉफी सी लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि विदनान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है टी स्नैक, मतलब ये जो स्नैक आप लोगों को हम सिखा रहे हैं वो चाहे या टी टाइम में बनाएं या इवनिंग टाइम में बनाएं, तो आप इसको झटपट बना सकते हैं और बच्चों को भी बनाकर दे सकते हैं लंच बॉक्स वगैरह में, मतलब उनको जैसे स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए बहुत ईजी और मज़ेदार सी रेसिपी है। तो ये रेसिपी कैसे तैयार होगी, ये क्या है और आज हम क्या बनाना सिखा रहे हैं? जी, आज हम आप लोगों को जो बनाना सिखा रहे हैं वो है पोटैटो रोल समोसा, और ये बहुत इजी है। किस तरह बनेंगे, इसकी तरकीब क्या है, बिना टाइम ज़ाय किए जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने तीन आलू ले लिए हैं, उबाल लिए हैं, थोड़ा सा मैंने प्याज धनिया हरी मिर्च डाली है, सिर्फ सूखा धनिया डाला है। अच्छा जी, आलुओं के हिसाब से ना मैंने ना ये नमक डाल दिया, ठीक है? इसकी मिकदार भी बता, आधा चम्मच, बाकी अपनी मर्जी से आप करते। ये आटे में मैंने डाल दिया, आटे में थोड़ा सा मैंने ना कुकिंग, नहीं मतलब आटा लिया है आपने? नहीं नहीं, मैदा, यानी मैदे को ही मैं कह रही ना आटा, ठीक है? मतलब ये जो हम लोग उसकी पट्टी बनाएंगे, ये ना मैंने ना थोड़ा सा घी भी डाला इसमें, दो चम्मच, ठीक है? तो हम लोगों ने घी भी शामिल कर दिया इसके अंदर, और जैसे कि आप लोगों को पता कि आज की रेसिपी, ये दादरी मिर्च, हमारी जुबान में तो हम लोग दादरी कह देते हैं, धड़ा मिर्च भी कहते हैं, दाड़ा मिर्च भी, बस अपनी प्रेफरेंस। ये जीरा, हाँ जी, ये सूखी मेथी, ठीक है? ये मैंने सुरख मिर्च, ज़्यादा नहीं, बाकी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं काम ज़्यादा। ये मैं ऐसे ना, मतलब ये मिक्सचर आपने बनाया है जो हम लोगों ने, मैं मिक्स कर लेती हूँ ये ना, आप मैं आटा गूंदती हूँ ना, आटा गूंद के ना फिर मैंने ना वो रोटी सी बनाती हूँ, फिर रोटी के ऊपर लगा के ना आपको बकाया काम खाती हूँ, ये आटा गूंद के। स्टेप बाय स्टेप किस तरह ये मज़ेदार से जो पोटैटो रोल समोसा तैयार होंगे आप लोगों ने व्यूवर्स देखना है। तो यहाँ पर हम लोग इसका मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, मिक्सचर तैयार करने के बाद किस तरह ये मज़ेदार से जो स्नैक की रेसिपी तैयार होगी वो आप लोगों ने देख ली। तो व्यूवर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना, देखना मज़ेदार से जो पोटैटो रोल समोसा है वो कैसे तैयार होंगे। हाँ जी, तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मम्मा ने एक जोंसी है वो रोटी बेल ली है। उससे पहले हम लोगों ने आपको आटा दिखाया था, मतलब हम लोगों ने मैदा लिया है और मैदे के अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा नमक ऐड किया था और घी ऐड किया था। उसके बाद अब देखिए किस तरह इसके ऊपर स्प्रेड कर रहे हैं। हाँ जी, कि हमारी रेसिपी जोंसी है वो आलू और वो है रोल समोसा, तो आलू को उसके ऊपर स्प्रेड करें रोटी के ऊपर, और आप लोग देखें कि किस तरह स्प्रेड करने के बाद किस तरह ये जो हमारी रेसिपी तैयार की जाएगी। अब बनाएं इंशाल्लाह, बहुत मज़े की बनती है ये, तो शाम को चाय के साथ बना, मतलब ये स्नैक के तौर पे आप मेहमान भी आ गए, इसमें चिकन भी आप डाल सकते हैं अगर आप चिकन के शौकीन है ना, तो ये ना कहेंगे सिर्फ आलू ही है, चिकन भी आप डाल सकते हैं। बेसिकली तो मतलब हम लोग इसको आलू के साथ बना रहे हैं, लेकिन आप लोग चाहे तो चिकन के साथ भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि कई लोग बहुत ज़्यादा चिकन पसंद करते हैं ना, तो फिर वो चिकन भी डाल सकते हैं, आलू के भी डाल सकते हैं। तो अब इसको मम्मा कर रही हैं रोल। हाँ जी, आपने ना बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आप लोगों ने ये काम करना है।
माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे बना लिया ना ऐसे, ठीक है। अगर हम पानी से थोड़ा सा लगा लें तो चिपक जाएगा ये, ठीक है। ठीक है जी। तो ये देखिए जी, हमारा जो सा है पोटैटो रोल वो तैयार हो गया है। ये हमने और साइड से टॉफी की तरह आपने बंद कर देना जी। अब ये हम ना इसे आराम से सॉफ्ट हैंड आपने ये काम करना है। तो ये देखिए किस तरह आप मम्मा इसको इजीली काट रहे हैं, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये देखिए किस तरह वन बाय वन इजीली और कितनी प्यारी ये टॉफी सी लग रही है। ये जो हमारे समोसा है ये तैयार हो गया है। अब ना हम ना आपको ना करके दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने जबरदस्त कितने प्यारे लग रहे हैं। जी तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर घी जो सा है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। घी जो सा गर्म हो चुका है तो अब हम इसके अंदर ये डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स हम लोगों ने इसके साइड को चेंज कर दिया, लेकिन आप लोगों ने जब तक ये हाफ कुक नहीं होगा इसकी साइड को चेंज नहीं करना, क्योंकि जो उससे अंदर फिलिंग की हुई है वो निकल सकती है। और बहुत ही मज़ेदार से बहुत अच्छी सी खुशबू के साथ साथ ये जो से हमारे हैं पोटैटो रोल समोसा फ्राई हो। तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह जो से हमारे पोटैटो समोसा रोल हैं वो तैयार हो गए हैं। कलर इसका चेंज हो गया, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं खुले और फूल भी गए हैं। तो अब इसको निकालते और आपको। तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं कि जो से हमारी आज की रेसिपी है हम लोगों ने आपसे शेयर किया पोटैटो रोल समोसा वो तैयार हो गई है। और इतना ज़बरदस्त इसका लुक आया है। और मम्मा ज़रा आप एक तोड़ कर भी दिखा दें व्यूवर्स को, ताकि अच्छा। जो उसके अंदर से फीलिंग है वो नज़र आ जाए। ये माशाल्लाह माशाल्लाह गर्मा गर्म और बिल्कुल कच्चा भी नहीं है अंदर। हाँ से और ये आप खा के भी दिखाओ, मैं भी खा के दिखाती हूँ आप भी। बहुत मज़े का। तो व्यूवर्स आई होप कि आप लोगों को जो सी आज की हमारी रेसिपी है पसंद आए, कि पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें। और अगर इसके साथ साथ आप लोगों ने मुझे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे तो बोला भी नहीं जाना, मम्मा ने इतना अच्छा खिला दिया है। अभी केचप के साथ नहीं खाया बेटा, केचप के साथ आप इसको खाएं तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और आप लोग बहुत पसंद करेंगे। तो व्यूवर्स बहुत ही अच्छे ये टी स्नैक है या इवनिंग के लिए स्नैक्स हैं, आप लोग इसको बनाएं। और अगर आप लोगों ने इसको यूटिलाइज़ करना चिकन के साथ तो वो भी आप इसको बना सकते हैं। हम लोगों ने आपको आइडिया दे दिया, चेंजेज़ आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो लेते हैं व्यूवर्स आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।